Good morning, students. Today I teach you linear equation in two variable exercise 3.2. Question number 4. Question number 4 says that which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent, inconsistent? Obtain the solution graphically. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको यह चेक करना है कि कंसिस्टेंट है अथवा इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब होता है सुसंगत, ठीक है। इसमें दो टर्म होते हैं, एक कंसिस्टेंट होता है, एक कंसिस्टेंट होता है, इसके मतलब होता है ओवरलैप। ध्यान दें, दोनों सुखा है, इसका मतलब दोनों दो लाइन मतलब ऐसे इफ टू लाइन ओवरलैप ईच अदर देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, राइट। और कंसिस्टेंट मतलब होता है दो लाइन अगर इंटरसेक्ट एक जगह करे तभी कंसिस्टेंट होगा, अथवा अगर ऐसे ओवरलैप करे तभी कंसिस्टेंट होगा, राइट। तो हम लोग फर्स्ट वी चेक, हम जैसे बताया था आप लोगों के, सबसे पहले इसको हम कंपेयर करते हैं a1x + b1y + c1 से। तो कंपेयर x + y = 5 टू x + 2y = 10 विथ a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। If we compare x + y = 5 with a1x + b1y + c1 = 0, हम इसको we can write x + y = 5 and x + y - 5 = 0 and -10 = 0। इसको इधर से अगर हम लाते हैं तो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो we compare x + y - 5 = 0 2x + 2y - 10 = 0 with a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। a1x + b1y + c1 x + y - 5 अगर कंपेयर करते हैं क्या है 1 है, कुछ नहीं था, 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो a1 = 1 हो जाएगा, b1 will be 1 and c1 will be -5। कोएफिशिएंट हम कर रहे हैं, देखो x का कोएफिशिएंट a1 है, इन दिस इक्वेशन x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इन कोएफिशिएंट ऑफ y will be 1, c1 will be 5 and a2 we compare 2x + 2y - 10 = 0 with a2x + b2y + c2 = 0। कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x will be 2, in this coefficient of x will be a2, a2 will be 2, b2 will be 2 and c2 will be -10, right। अब चेक करते हैं क्या है, तो a1 by a2 = 1 by 2, b1 by b2 will be 1 by 2 and c1 by c2 will be -5 by -10, it becomes 1 by 2, it means a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2। इसके पहले हम बताए थे there are three cases arise if a1 by a2 = not b1 by b2 then the pair of linear equation इंटरसेक्ट ईच अदर ओनली 1 पॉइंट, राइट। अगर नहीं होता है a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2 आ जाता है, अगर नहीं होता है तो हम c1 by c2 चेक करते हैं। यदि a बराबर हो जाता है देन बोथ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, मतलब दोनों एक दूसरे पर ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं, राइट। अगर ए नहीं होता है, नॉट होता है ऐसे,
The both equation are parallel each other. और ये क्या होता है? Inconsistent होता हो जाता है. इस कंडीशन में क्या है? A1 by A2 equal B1 by B2 equal to 7 by C2. ठीक है? तो आप लोग देख लें, पास करके वीडियो लर्न कर लेंगे. यहां पे क्या हम लिखेंगे? हेंस इक्वेशन वन एंड टू आर कंसिस्टेंट, देयरफॉर इक्वेशन वन एंड टू है मिनी सोल्यूशन. जब मिनी सोल्यूशन हो जाएगा तो क्या होगा? द पेयर आर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. मीन्स ये क्या हो जाएगा?
जीरो एक्स जीरो वाई पे फाइव, ये हो गया पॉइंट। एंड फाइव जीरो, देखो फाइव जीरो है, एक्स पे कितना होगा फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, अरे क्या हो गया जीरो। ऐसे हमने लाइन प्लॉट कर दी है, ठीक है। ये लाइन किसका है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव का है, ठीक है। अब ये लाइन का प्लॉट करेंगे, ये भी सेम वही है, ऐसे देखो दोनों लाइन किसके आ गया, एक ही पे आ गया, बोथ लाइन आर कोसेकेंट इच अदर, ठीक है। ऐसे आपको सेकंड करेंगे, इसका सेकंड आपका पॉइंट है, x माइनस वाई इक्वल टू ए एंड थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्सटीन, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू ए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एट, थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्सटीन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस एट इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्सटी इक्वल टू जीरो, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ए वन इक्वल टू वन, बी वन इक्वल टू माइनस वन एंड सी वन इक्वल टू माइनस एट। देखो ए वन इक्वल टू वन, बी वन इक्वल टू माइनस साइन है इसलिए माइनस वन एंड सी वन इक्वल टू माइनस एट एंड ए टू इक्वल टू थ्री, बी टू इक्वल टू माइनस थ्री एंड सी टू इक्वल टू माइनस सिक्सटीन। तो ए वन बाई ए टू इक्वल टू वन बाई थ्री हो गया एंड वन बाई बी टू इक्वल टू कितना हुआ माइनस वन बाई माइनस थ्री, हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ है, वन बाई थ्री हो गया एंड सी वन बाई सी टू देखें माइनस एट बाई सिक्सटीन वन बाई टू। इसमें ए वन बाई ए टू इक्वल टू B1 वन बाई बी टू इक्वल टू नॉट सी वन बाई सी टू, नॉट मतलब क्या हुआ, बोथ लाइन बोथ देयर आर लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, देयर आर नो एनी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो यू कैन नॉट ड्रा ग्राफ करी। हम लोग पेयर क्या हो गया है, इनकंसिस्टेंट हो गया, इसलिए हम इसको हम ड्रा नहीं कर सकते हैं। आप लोग लिख देंगे हेंस द lines are and the both lines are parallel each other, so there are no any solution, so we cannot, so this pair of linear equations are inconsistent, right? Thank you. आप लोग बाकी कर लेंगे, सवाल करने के बाद हमको सेंड करेंगे, ठीक है, ओके okay.